people smoking cigarette? Yes. देखो सिगरेट पिया क्या पीता थोड़ी इंटेलेक्चुअली एनालाइज करो इंटेलेक्चुअली क्या एक कागज है जिसके अंदर तंबाकू लिपटा हुआ है एक तरफ आग लगी हुई है और दूसरी तरफ एक मौत लगा तो आप ठीक है रहा ठीक है रहा इंटेलेक्चुअली समझ आती भी होगी लेकिन जीव पर ऐसी लत लग गई है उसको कि वो उसके बिना Otherwise, you don't understand what is he doing. There is a paper rolled inside it is a tobacco. एक साइड को मूड लगा, दूसरी साइड आग लगी और वो कष्ट पे कष्ट होगा। किस इंद्रिय के वश भूत होंगे? पहले मेरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? माइंड कंट्रोल करता है और फिर मेरी कितनी सेंसेस हैं? 10 जिनमें से 5 कौन सी हैं? इंपोर्टर्स और 5 कौन सी हैं? एक्सपोर्टर अगर मेरे को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना है अगर मेरे को एक अच्छा डायनामिक पर्सनैलिटी बनना है तो मुझको सबसे पहली ट्रेनिंग जो देनी है वो अपनी सेंसेस को बिकॉज इफ आई डोंट ट्रेन माय कर्म इंद्रियज इफ आई डोंट ट्रेन माय ज्ञान इंद्रियज आई वॉन्ट बी एबल टू बी अ डायनामिक पर्सनैलिटी And when I say dynamic personality, I'm not talking about having a good suit or wearing a tie or having a goggles. I'm talking about your inner masala. I'm talking about your inner masala, your inner heart process. This is your mind tumhara chalta hai. Iske tum malik ban. Uske liye tumhe training deni padegi apni 10 senses. Important component aata hai. Wo hai meri breath. Meri body hai. मेरी 10 सेंसेस हैं बॉडी को कंट्रोल कर रहा है मेरा ब्रेन लेकिन ये ब्रेन में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो तो ये डेड हो जाएगा जैसे ये डेड होगा मैं मर जाऊंगा और इसको चला कौन रहा है ब्रेथ इज अ ब्रिज आई रिपीट अगेन ब्रेथ इज अ ब्रिज ब्रेथ इज अ ब्रिज बिटवीन माय बॉडी एंड माय माइंड ब्रेथ इज अ ब्रिज बिटवीन माय बॉडी एंड माय ब्रेन अलग है ब्रेन इधर है माइंड इधर है और माइंड और बॉडी को जोड़ कौन रहा है You might have noted that when you are confident, your breath flows in a different manner. When you are nervous, your breath flows in a different manner. When you are full of lust, your breath flows in a different manner. When you are scared, your breath flows in a different manner. When you are angry, your breath flows in a different manner. जब आपको गुस्सा होता है, सांस की चलने की प्रक्रिया बदल जाती है। जब आप confident होते हो, सांस एक अलग लय में चलती है। जब आपके अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, सांस एक अलग लय में चलती है। That means breath और मेरी emotions का link. ब्रेथ और मेरी इमोशंस का लिंक है तो अगर मैं अपनी ब्रेथ को भी सीख लूं अगर मैं अपनी ब्रेथ को भी ट्रेन कर लूं तो समहाउ आई विल बी एबल टू टेक ओवर माय इमोशंस इफ आई एम फीलिंग एंग्री एंड आई नो राइट नाउ माय ब्रेथ पैटर्न हैज चेंज्ड दिस ब्रेथ पैटर्न विल इंक्रीज माय नर्वसनेस दिस ब्रेथ पैटर्न विल इंक्रीज माय एंगर एंड दिस ब्रेथ पैटर्न आई नो व्हिच मेक्स मी फीलिंग सूटेबल इफ आई गो टू दैट ब्रेथ पैटर्न उस एंगर को मैं सब्सिडाइज करता हूं ब्रेथ को भी अगर मैंने सीख लिया उसकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया और ब्रेथ के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को मैंने पकड़ लिया तो जब मैं घबराता हूँ उसमें मुझे कॉन्फिडेंस लेवल पे घुमाना है तो मैं ब्रेथ के सहारे आ सकता हूँ जब मुझे गुस्सा आ रहा है एंड आई वांट टू ओवरकम दैट एंगर तो उस एंगर को मैं ओवरकम कर सकता हूँ किसकी हेल्प से अनफॉर्चुनेटली हमको इसके बारे में ज्यादा मतलब नहीं वी डोंट नो मच एंड इट नीड्स टाइम टू बी It needs time if I want to teach you that. छोटी सी चीज़ में छोटा आप लोगों को बता दूँ. Your body is made up of 72,000 energy meridians. Your body is made up of 72,000 energy meridians. आपकी body में 72,000 नाड़ियाँ. उन 72,000 नाड़ियों में से आपकी 14 नाड़ियाँ बहुत important. How many? 14. उन 14 में से 3 सबसे important. So no need to talk about 72,000. No need to talk about 14. Just got to bother about three only. How many? Three. इन तीन में से एक का नाम है इडा, एक का नाम है पिंगला और एक का नाम है शुशुंगला. इसको सुन लेना ताकि आप इसको समझ सको. Because practically इसको use करना. One is called इडा, second is called पिंगला, one is called शुशुंगला. One is called solar, one is called lunar, and one is called शुशुंगला. You might have seen the medical sign of the doctors. Doctors का कभी sign है क्या? ऐसे बीच में ग्रंथि होती है, फिर ऐसे एक होता है, ऐसे. एक इडा होती है, पिंगला होती है, बीच वाली शुष्मा, right? Your spinal cord beats a खोखली, that spinal cord which is called reed theater, ये खोखली होती है. In most of my classes, I tell people that tiny is sacred HNTS, that is called head neck trunk spine.
मैं अपनी मैक्सिमम क्लासेस में सबको बोलता हूँ कि सीधे रहो, सीधे बैठो का मतलब आपका हेड, आपकी नाक, आपकी टंग स्ट्रेट होनी चाहिए। क्यों स्ट्रेट होनी चाहिए? क्योंकि एनर्जी का स्रोत है जो आपकी टेल पॉइंट पे रखा है। नेचर ने जब तुमको बनाया एक एनर्जी का रिजर्वॉयर रखा, लेकिन वो कहां चला गया? टेल बोन, जहां आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती, यहां रखा गया। और यहां से वो एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करती है, या तो वो आपको ऊपर ले जाती है, नीचे खींचती है। अगर आप इस प्रैक्टिस को रेगुलर रखते हैं, यू ट्रेन योर बॉडी ऑफ सिटिंग इन एच एन टी एस पोजिशन, तो ये एनर्जी धीरे धीरे अपर मूवमेंट में जाती है, और जैसे जैसे ये अपर मूवमेंट में जाती है आपकी पर्सनल ग्रोथ होना शुरू होती है। पर्सनली जब तुम अंदर से ग्रो होगे, बाहर का एनवायरनमेंट तो ग्रो होगा ही होगा। ये इम्पॉसिबल है कि अगर आप भीतर से ग्रो करें तो आपकी बाहर की ग्रोथ नहीं होगी। अगर बाहर की ग्रोथ नहीं हो रही है तो डोंट बॉदर, बॉदर कि शायद मैं अंदर से ग्रो नहीं कर रहा। आई रेडी टू पॉइंट वापस आता हूँ। तीन नाड़ियाँ हैं, ए वन इज फॉर बेटा, सेकंड इज फॉर बेटा, और पहला बीच वाली कौन सी है? ये आपकी राइट हैंड साइड वाली है पिंगला, लेफ्ट हैंड साइड वाली है बेटा, राइट? थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से सुनिए। बीच में सुषुम्ना चलती है, रीढ़ की हड्डी खोखली है। आपका जो ब्रेथ पैटर्न है दिन में 24 घंटे में हर एक घंटे या सवा घंटे में चेंज होता है। आफ्टर एवरी वन आवर और वन एंड हाफ आवर और 70 मिनट और 60 मिनट और मोर देन 60 मिनट ये चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कभी आप चेक करोगे आपकी पिंगला चल रही है, कभी आप चेक करोगे आपकी हीरा चल रही है, और कुछ कुछ मूवमेंट्स आती है बीच में जब आपकी सुषुम्ना चल रही है। दैट मीन्स अगर अभी आप चेक करोगे नाक से हवा निकालते हो तो एक साइड पूरी चल रही होगी और एक साइड नहीं चल रही, और ये चेंज हो हर एक घंटे बाद चेंज होती है। एक बार सोलर चलती है, एक बार लूनर चलती है, और बीच में कुछ पल ऐसे आते हैं जब आपकी दोनों चल रही है। दैट इज कॉल्ड सुषुम्ना।